Hello student, today I will teach you first chapter of mathematics, relation and function, exercise 1.1. 1.1, question number 3. Question number 3 is, check whether the relation R defined in the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 as R is equal to AB such that B is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric and transitive. Its solution is, let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and R is subset of A Cartesian product A. Relation in A is R is equal to AB such that B is equal to A plus 1. AB belongs to A. A relation is set A में relation है. एक ही set है और उसी में ये relation है. Then R is subset of A Cartesian product A and R is said to be binary relation. अब इसी का ये रोस्टर फॉर्म है, इसी का इस सेट बिल्डर फॉर्म है. जब ए की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेंगे तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी. ए की वैल्यू जब 2 लेंगे तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी. ए की वैल्यू 3 लेंगे तो बी की वैल्यू 4 हो जाएगी. ए की वैल्यू 5 लेंगे तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगी. ए की वैल्यू हमको इन्हीं में से लेना है 1, 2, 3, 4 और बी भी इसी में लाई करेगा. बी की वैल्यू भी 6 से लेसी होनी चाहिए. अब ये रिलेशन ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 ए बी बिलोंग्स टू ए का ये रोस्टर फॉर्म है और इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6. अब इसको हमको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है. वन सेट ए का एलिमेंट है 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर क्योंकि 1 नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1. यहाँ ए भी 1 है बी भी 1 है तो यहाँ जब ए को 1 बी को 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 1. 1 1 प्लस 1 के इक्वल नहीं है. देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. एज 2, 3 बिलोंग्स टू ए, 2 और 3 सेट ए का एलिमेंट है एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर. 2, 3 आर को बिलोंग करता है. क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि 3, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 के होता है. बट 3, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 नॉट इक्वल टू 3 प्लस 1. 2 की वैल्यू 3 प्लस 1 के इक्वल नहीं होगी. यहाँ ए की वैल्यू 3 है बी की वैल्यू 2 है तो यहीं रखेंगे हम फिर इसको, तो आएगा 2 नॉट इक्वल टू 3 प्लस 1. यानी 2, 3 तो आर को बिलोंग करता है रिलेशन को बट 3, 2 आर को बिलोंग नहीं करता है, आर का एलिमेंट नहीं है. देन आर इज नॉट सिमेट्रिक. अब 2, 3 एंड 4 बिलोंग्स टू सेट ए. 2, 3 और 4 सेट ए के एलिमेंट्स हैं. इफ 2, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 4 बिलोंग्स टू आर. 2, 3 क्यों बिलोंग करता है सेट ए में, क्योंकि 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 के. और 3, 4 क्यों रिलेशन आर का एलिमेंट है, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 के इक्वल है. बट 2, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ए की वैल्यू यहाँ 2 है बी की वैल्यू 4 है तो जब ये रखेंगे तो 4 नॉट इक्वल टू 2 प्लस 1 के इक्वल होगा. 4 2 प्लस 1 के इक्वल यानी 3 के इक्वल नहीं होगा. देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव. हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सेमेट्रिक नार ट्रांजिटिव. अगेन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सेमेट्रिक आर ट्रांजिटिव. ये चेक करना है कि रिलेशन आर इन आर, इसका क्या मतलब है, आर इज सबसेट ऑफ आर कार्टिजन प्रोडक्ट आर. ये सेट ऑफ रियल नंबर है.
एक ही सेट का जिक्र है यहाँ पे, यानी यहाँ R इज सबसेट ऑफ R कार्टेशियन प्रोडक्ट R है, और रिलेशन इसमें डिफाइंड है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रिलेशन R यहाँ दिया है R इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन बी क्यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एस वन बाई टू बिलोंग्स टू आर। एक रियल नंबर ले लो वन बाई टू जो रिलेशन रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, बट वन वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये वन वन रिलेशन आर का एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि वन इज नॉट लेस देन वन बाई टू का होल क्यूब। वन वन बाई टू के क्यूब से लेस नहीं है, कम नहीं है, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी ए आर को बिलोंग करता है लेकिन ए ए आर को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए एज वन थ्री बिलोंग्स टू आर, वन थ्री रियल नंबर है, वन थ्री बिलोंग्स टू आर बिकॉज वन इज लेस देन थ्री का क्यूब। थ्री का क्यूब कितना होता है 27, बट थ्री वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज थ्री इज नॉट लेस देन वन का क्यूब। वन का क्यूब तो वन होता है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगेन यू विल टेक थ्री रियल नंबर्स 100, 5 एंड 2 विच बिलोंग्स टू आर। 100, 5 और 2 ये थ्री रियल नंबर्स हैं। मान लीजिए कि 105 रिलेशन का एलिमेंट है। क्यों एलिमेंट है? क्योंकि 100 लेस देन 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 125 होता है, इसलिए 105 रिलेशन का एलिमेंट है। ये ऑर्डर पेयर्ड इस रिलेशन का एलिमेंट है, बट एंड 52 बिलोंग्स टू आर। 52 भी इस रिलेशन का एलिमेंट है क्योंकि 5 लेस देन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 5 उससे लेस है, इसलिए 52 भी इस रिलेशन का एलिमेंट है। बट 102 डज नॉट बिलोंग्स टू आर बिकॉज 100 इज नॉट लेस देन 2 का क्यूब। 100 2 के क्यूब से लेस नहीं है, 2 का क्यूब 8 होता है, 100 उससे ग्रेटर है, देन यू विल राइट 100 इज नॉट लेस देन 2 का क्यूब। यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ट्रांजिटिव नहीं होने की कंडीशन पूरी है, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अगेन यू विल सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवेन बाई आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे है, देखिए ए इज इक्वल टू है 1 2 3 और रिलेशन में एलिमेंट है 1 2 और 2 1, केवल 2 एलिमेंट हैं इस रिलेशन में। अब ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इसके अंदर 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, ये तीनों होंगे तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन 1 तो सेट का एलिमेंट है लेकिन 1 1 रिलेशन के अंदर नहीं है। 1 बिलोंग्स टू सेट ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एस 1 2 1 2 बिलोंग्स टू सेट ए एंड 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 1 2 रिलेशन आर के अंदर है एंड इज इम्प्लाइज दैट 2 1 बिलोंग्स टू आर और 2 1 भी इस रिलेशन के अंदर है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड इज इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ये दोनों इसके अंदर है, देन आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 7 आप लोग होमवर्क में करेंगे। ओके।